मंगलम कुन्नकुन्नादियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाख्या चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः परम गुरवे नमः परम्पराचार्य श्रीगुरवे नमः नमस्मि सराय शुभकास्ते चेस्वभावाय भावाय सर्वान्तरिक्षे धम्मचलमनोभवमधीमते इच्छामि चलता था। देखो छियासी नंबर की गाथा आचार्य देव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे द्विक्रियावादी हुए कि जीव के परिणाम को और पुद्गल के भावों को माने कर्म को शरीर की क्रियाओं को मैं करता हूँ ऐसा अंदर में भासित होना लगना इसका नाम मिथ्यात्व है। देखो जीव धर्म के नाम पर शारीरिक क्रियाएं करता है और या स्वभाव रूप राग आदि की क्रिया करता है, ये तो एक अलग बात हो गई। शुभ क्रिया और स्वभाव, ना तो शुभ क्रिया का नाम मिथ्यात्व है न स्वभाव का नाम मिथ्यात्व है। क्रिया क्रिया है, भाव भाव है, लेकिन एक क्रिया होती है शरीर की और कर्ता मानता है आत्मा को, मैं करता हूँ। एक गलती, उस क्रिया में धर्म मानता है। दूसरी गलती, क्रिया को मोक्ष का साधन मानता है, ये भी गलती है, साधन नहीं है। एक शुद्धोपयोग का परिणाम मोक्ष का साधन है बस, इसके अलावा कोई भी शरीर की क्रिया या शुभराग रूप परिणाम ये मोक्ष के साधक नहीं हैं। उपचार से व्यवहार से इनको साधक कहा जाता है, व्यवहार से, परमार्थ से साधक नहीं है। परमार्थ से तो बाधक हैं। बनारसी दास जी ने लिखा है, जेउ जहां साधक हैं तेउ तहां बाधक हैं। जिन शुभ भावों को, शुभ क्रिया को, क्रिया के शुभ विकल्पों को निचली भूमिका में साधक कहा जाता है, और जब जीव ऊपर की दशा में आरोहण करता है तो वो ही चीज बाधक है। देखो भगवान की पूजन और पूजन से स्वाध्याय और स्वाध्याय से आत्मा का चिंतन, चिंतन के बाद अनुभवन, ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रिया है। भगवान की पूजन से स्वाध्याय ज्यादा उत्कृष्ट है, उसमें स्वभाव की अधिकता होती है, तीव्रता होती है। स्वाध्याय के काल में भगवान की पूजन करे तो ये साधक हुई के बाधक हुई, और आत्मचिंतन का समय हो उस समय शास्त्र पढ़ना भी बाधक है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने में उपयोग लगाओगे तो चिंतन की दशा खत्म हो जाएगी।
इससे उत्कृष्ट दशा है चिंतन की, और उसमें परिणामों की विशुद्धता भी ज्यादा होती है। भगवान की पूजन से स्वाध्याय में अधिक विशुद्धता है परिणामों की। भले ही बात अलग है कि जो पूजन करते हैं भी अपने को बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, और स्वाध्याय करते हैं उनको थोड़ा छोटी क्वालिटी का मानते हैं, लेकिन ये कोई बाहर से तुमने धोती दुपट्टा पहन लिए उससे कोई बड़ा हो गया, ये सब खेल परिणामों की विशुद्धता का है। परिणामों की विशुद्धता स्वाध्याय में विशेष कही, स्वाध्याय के लाभ विशेष हैं। श्रद्धा की मलिनता होती, पवित्रता होती है, मलिनता का अभाव होता है। अज्ञान का नाश स्वाध्याय के काल में होता है, पूजन के काल में नहीं होता। पूजन के काल में शुभभाव हो सकता है, लेकिन अज्ञान के नाश का विशेष साधन नहीं है वो। स्वाध्याय में वस्तु स्वरूप की जानकारी, ज्ञानियों की वाणी का सुनना पढ़ना, ये सब स्वाध्याय ये अज्ञान के नाश का कारण है। अनादिकालीन मिथ्यात् अनादिकालीन अज्ञान केवल स्वाध्याय से ही जाने वाला है, इसलिए ये उससे उत्कृष्ट दशा है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, टोडरमल जी साहब के वाक्य पढ़ो, 10 फायदे बताए हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, एक बार लिखवाए थे आपने ही तो लिखे थे, हाँ छाप के लगाए थे, वे तो घर घर में लगा देना चाहिए लोगों को ले जाके। स्वाध्याय के 10 फायदे, घर में जहां अपन शास्त्र रखे हो वहां लिख देना चाहिए, ख्याल में तो रहे कि ये फायदे हैं स्वाध्याय के। अज्ञान का अभाव होता है, परिणामों की विशेष विशुद्धता होती है, विशेष शुभभाव होता है, विशेष पुण्य का बंध होता है। पुण्य के लोभियों को भी फायदा है इसमें, पुण्य चाहिए ना तो पुण्य भी विशेष बंधेगा। सुनो, पैसा एक लगना नहीं, फूटी कोड़ी लगना नहीं, और पुण्य भी विशेष बंधे। लेकिन पुण्य बांधने के लिए शास्त्र पढ़े तो कछु ना बंधे, पाप ही बंधे। वो तो देखो, आत्महित की दृष्टि से शास्त्र आदि का अभ्यास करे तो परिणामों में विशेष विशुद्धता होती है। आत्महित की दृष्टि से भगवान की पूजा भक्ति आराधना करे तो उसको भी परिणामों में विशेष विशुद्धता होती है। अज्ञानी चाहे पूजन कर ले चाहे शास्त्र पढ़ ले, एक ही बात है, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। ना उसे पूजन का भाव समझ में आता है, ना शास्त्र का भाव समझ में आता है। थोड़े बहुत टोडरमल जी साहब ने लिखा, कदाचित थोड़ी कसाई की मंदता हो तो पुण्य बन जाता है, और कभी कसाई की तीव्रता हो तो पाप बन जाता है। सो ऐसा जैसे रूंगन में कोई चीज मिल जाए, भाई ऐसा समझना, विशेष नहीं। भगवान का स्वरूप जाने, देव का स्वरूप जाने, गुरु का स्वरूप जाने, शास्त्र का स्वरूप जाने, फिर देव शास्त्र गुरु की भक्ति और आराधना करे। अरे शास्त्र पढ़ेगा नहीं तो शास्त्र का उपकार कैसे भाषित होगा? भगवान की वाणी सुनेगा नहीं तो भगवान का उपकार कैसे भाषित होगा? और जब तक उपकार भाषित नहीं हुआ तब तक उनकी भक्ति भी नहीं होने वाली है सच्ची, ये समझ लेना। जिसका जिसको उपकार भाषित होता है उसी की महिमा आती है विशेष, और जो महिमा आना और उस महिमा में जो विनय होना उसी के नाम भक्ति और पूजा है। तो जब स्वाध्याय करेंगे तो जिनेंद्र भगवान का, निर्ग्रंथ वीतरागी गुरुओं का, आचार्यों का, उपाध्यायों का, साधुओं का, जिनवाणी का, इनका उपकार विशेष विशेष भाषित होगा। और जब विशेष उपकार भाषित होगा तो पूजा भक्ति में भी उपयोग लगेगा, महिमा आएगी। लिखा ना भाई, हो गई पूजा। या विधि संत कहें धन है,
धन है जिन बेन, कौन कहेगा ऐसा बोलो? जिसको जिनवाणी सुनी है, जिनवाणी पढ़ी है और उसको पढ़ के जिनका अज्ञान और मिथ्यात्व गला है, अज्ञान का अंधकार टला है जिनके जीवन में, बस उन्हें तो सहज वाणी से बोलने की जरूरत नहीं है। अंदर में उपकार भाषित होना, अहो धन है जिनवाणी, धन है। यदि ये जिनवाणी ना होती तो के भांति पदार्थ पांति कहा लहते रहते, कैसे हम इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते? कैसे हमें संसार के घोर दुखों से मुक्त होने का उपाय मिलता? तो उपाय मिला है, उनको विशेष उपकार आता है। इसलिए स्वाध्याय के बिना, तत्व का स्वरूप जाने बिना, आत्मा का स्वरूप जाने बिना, आत्म स्वभाव की महिमा आए बिना, परमात्मा की भी महिमा सच्ची आती नहीं। इसलिए ज्ञानी को ही सच्ची भक्ति कही है, अज्ञानी को सच्ची भक्ति नहीं कही। भले बाहर में उछाला आता हो राग का, लेकिन जब तक सामने जो है जीव व्यक्ति, अब समझ लो जिनेंद्र प्रतिबिंब है, जब तक ये भाषित नहीं हो कि अरे यदि ये अरहंत परमात्मा ना होते और इनके द्वारा प्रतिपादित वीतरागी वाणी ना होती तो हम कैसे वस्तु स्वरूप समझते, कैसे आत्मा के स्वरूप को जानते पहचानते, कैसे हम मोक्ष मार्ग को प्रकट करते प्राप्त करते? और मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं करते तो अनंत संसार में भटक रहे हैं, ऐसे ही भटकते रहते। तो जिन जीवों का उपकार हुआ है उन्हें विशेष भक्ति और बहुमान उमड़ता है, और जिनका कोई उपकार ही नहीं हुआ वो तो एक रूटीन है, कुल पद्धति कुल परंपरा। फुडलमल जी साहब ने लिखा है कुल परंपरा से धर्म मानने वाले। तो ये बात यहां चलती है, देखो कि इतना विवेक कौन सिखाएगा? जिनवाणी सिखाएगी कि देह भिन्न है आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है तो देह की होने वाली क्रियाएं भी आत्मा के स्वभाव से भिन्न है, और जब देह भिन्न द्रव्य है, देह की क्रिया भिन्न द्रव्य है, तो देह की क्रिया का कर्ता भी भिन्न ही है, मैं देह की क्रिया का कर्ता नहीं हूं, मैं मेरे ज्ञानादि परिणामों का कर्ता हूं, मैं मेरे श्रद्धा रूप परिणाम का करता हूँ, ज्ञान का परिणाम का करता हूँ, चारित्र का करता हूँ, सुख के दुख के वेदन का करता हूँ, और व्यवहार से कहो तो रागादि विकारी भावों का करता हूँ, लेकिन परद्रव्य का करता तो किसी, और देह की क्रिया जो भी हो रही है, चलने रूप उठने रूप बैठने रूप बोलने रूप भाषा रूप, ये सब पुद्गल की क्रिया है। समझ में है ना बात? इसमें आत्मा का क्या है? आत्मा सिर्फ एक तो इसका पड़ोसी है, दूसरा इसकी होती हुई क्रियाओं को मात्र जानता है, बाकी करना धरना आत्मा के बस का काम नहीं। जब जी पैर चलते नहीं है कि चलो तुम्हारी तो है चलाओ इनको, पहले तो दौड़ लगाते थे, अब लगाओ। हम का लगाए, वे चलते नहीं है, और पहले कि पहले हम चलाते थे। भाषा बदल जाती है अज्ञानी की, जहां इसके कर्तृत्व को ठेस पड़ती है वहां भाषा बदल जाती है, कि पहले तो खूब
खूब काम हो जाता था हमसे, अब नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? होता नहीं है कि तू करता नहीं है? करना तो चाहता है लेकिन अब होता नहीं। पहले तो खूब करते थे, पहले करते थे, जब होता था सो कर्तृत्व का अहंकार करता था। उस शरीर ने अपनी स्थिति से विराम ले लिया है, सो अब अकर्ता बनता है, अब नहीं होता, अब शरीर काम नहीं करता। शरीर नहीं करता कि तू नहीं करता? बोलो कि हमारी तो खूब भावना है कि दौड़ू, चलू, फिरू, बोलू, खाऊं, पीऊं, सब, लेकिन अब ये काम नहीं करता। और पहले करता था, पहले करता था कि तू अहंकार करता था कि मैं करता हूं? बोलो। और अब भी अहंकार कम नहीं हुआ, अब उस कर्तृत्व के साथ में मजबूरी जुड़ गई। करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहता, करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। बोलो। लेकिन यह विचार नहीं करता, करे भाई देह के एक एक परमाणु परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, न पहले मैं इसका करता था ना मैं आज इसका करता हूं, पहले इसके परमाणुओं का इस रूप परिणमन होने की योग्यता होती थी सो होता था, और आज इस देह के परमाणुओं का इस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है सो नहीं हो रहा है। तो दोनों अवस्थाओं में ज्ञाता रहो, कर्ता मत बनो। करे कर्म सो ही करता रा, और जान जो जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होई और करता सो जो करता बनता है वो अज्ञानी है। बस आचार्यों का ये कहना है इस पूरे कर्ता कर्म अधिकार में कि शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, होने योग, रागादि भाव आश्रव के बंध के भाव होने योग हो रहे हैं, कर्म का बंध होने योग हो रहा है, उदय होने योग हो रहा है, सारे जगत के परमाणु परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, तेरा काम सिर्फ जगत के होते हुए परिणमन को मात्र जानना है, यद्यपि जानना भी अपराध है। क्या कहा? जानना अपराध है कि? हाँ अपराध है, महा अपराध है। स्वभाव तो है लेकिन स्वभाव है जानना, सो अपने को जानना तो भूलता है, जिसको जानना चाहिए उसको जानता नहीं, और जिसको जानना नहीं चाहिए उसको अपन किसी के घर के सामने खड़े हो जाओ और ऐसे देख रहे हो उसके घर को, क्यों भैया क्या कर रहे हो? बस जान रहे हैं। क्या जान रहे हो? अब जान रहे हैं, जानना हमारा काम है कि हटो यहां से। क्या जान रहे हो? क्या चोरी करना है क्या? बोलो। तो पर को जानना तो अपराध है, क्योंकि सीधी बात है, छद्मस्त का उपयोग एक काल में एक एक गेव के जानने में लगता है, तो अपराध इसलिए है कि जिस समय हम पर को जानने जाएंगे उस समय अपना जानना छूट जाएगा। एक साथ एक समय में दो तरफ जानना नहीं होता छद्मस्त के उपयोग का, पर का जानना होगा तो स्व का जानना छूट जाएगा, स्व का जानना होगा तो पर का जानना छूट जाएगा। केवल ज्ञानी का ऐसा नहीं होता है, वे पर को भी जानते रहते हैं और निजानंद रसलीन भी बने रहते हैं। इसलिए केवल ज्ञानियों को अनंत जगत के परद्रव्यों को जानने का निषेध नहीं है, क्योंकि लोकालोक को जानने पर भी सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद, ऐसी उनकी ज्ञान की विशेषता है कि अनंत लोकालोक को जानने पर भी अपने स्वरूप में अनंत लीनता, अनंत तल्लीनता, अनंत एकाग्रता, अनंत स्वरूप की अनुभूति का पुरुषार्थ उनका खंडित नहीं होता।
और लोकालोक भी उनके ज्ञान में झलकता रहता है। लेकिन अपन छद्मस्थ जीव हैं, छद्मस्थ का उपयोग एक समय में एक गेय को जानता है, 100 गेय को जानेगा तो पर का जानना छूटेगा और पर गेय को जानेगा तो 100 का जानना छूटेगा। इसलिए कहा कि तू जब जब परगे को जानने जाएगा तब तक तेरा स्वगे को जान पाना छूटेगा। मुनिराजों के भी होता है, हम तो अभी निचली भूमिका में, कि जब कोई पर पदार्थ ज्ञान का गेय बनता है, अरे शास्त्र लिखने का विकल्प होता है, उपदेश देने का विकल्प होता है, 28 मूल गुण के पालन करने की क्रिया का विकल्प होता है, आहार विहार निहार का विकल्प होता है, तो उपयोग स्वरूप से बाहर चला जाता है। तो पर को जानना स्वभाव है, लेकिन छद्मस्त का उपयोग जब पर को जानने जाता है तो अपने स्वरूप की विराधना करके जाता है, यह अपराध है कि जब जब उपयोग बाहर जाएगा। अरे भाई, शास्त्रों में तो ऊंची बातें कहीं, अपन वो शब्द नहीं बोल सकते, आचार्यों की हिम्मत है इसलिए बोल दिए। शास्त्र को पढ़ने में भी उपयोग जाता है, तो आचार्यों ने ये लिखा, वो उपयोग भी भ्रष्ट होता है। काय से भ्रष्ट हुआ? शास्त्र पढ़ने से उपयोग भ्रष्ट होता है। अरे सुन तो सही मूर्ख, तू कहां से सोचता है? तू विषय कसाय में लगा है, उस अपेक्षा से कहा शास्त्र पढ़ने में उपयोग उत्कृष्ट होता है। लेकिन जो मुनिराज अपने स्वरूप में निरंतर विहार करते हैं, स्वरूप में जमते हैं, स्वरूप में रमते हैं, और वे जब स्वरूप से च्युत होकर शास्त्र आदि के अभ्यास में उपयोग लगाते हैं तो उनका उपयोग गिरता है, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आता है। और अपन शास्त्र पढ़ते हैं तो अपना अशुभ उपयोग से शुभोपयोग में जाता है। समझ में ही ना बात? इसलिए अपने लिए तो जो अशुभ की भूमिका में है उनसे कहा शास्त्र आदि के अभ्यास में उपयोग लगाओ। समझ में है ना बात? तो तुम्हारे गुणों की वृद्धि होगी, परिणामों की विशुद्धता में वृद्धि होगी। और मुनिराज शुद्धोपयोग से गिरे और फिर शास्त्र के अभ्यास में शुभोपयोग रूप परिणाम में लगे तो कहते हैं तुम्हारा उपयोग पतित हुआ है। क्या? क्योंकि वे शुद्धोपयोग में से गिर के शुभोपयोग में आए और सामान्य जगत अशुभोपयोग में से चढ़ के शुभोपयोग में जाता है। तो देखो, अशुभ उपयोग से बच के शास्त्र आदि के शुभोपयोग रूप के अभ्यास में शुभोपयोग में उपयोग लगे तो प्रशंसा लायक है। और मुनिराज आदि जो शुद्धोपयोग में लीन है, अरे ग्रस्त भी श्रावक भी सामायिक में लीन है, तो जो सामायिक के काल के उपयोग की शुद्धता है वो स्वाध्याय के काल की उतनी विशुद्धता नहीं होती, शुद्धता नहीं होती। शुद्धोपयोग के साथ में जो शुभराग का अंश होता है वो भी विशेष विशुद्धता वाला होता है। उस समय पुण्य भी बनता है ना, तो शुद्धोपयोग से तो पुण्य नहीं बनता, शुद्धोपयोग से तो सम्मार और निर्जरा होती है कर्मों की। लेकिन जो उस समय कुछ अबुद्धि पूर्वक राग का अंश जो विद्यमान है, वो राग का अंश विशेष विशुद्धता वाला होता है, तो विशेष पुण्य का बंध भी होता है शुद्ध उपयोग के काल में। देखो, और शुद्ध उपयोग से तो संवर और निर्जरा हो रही है, अनंत कर्म खिर रहे हैं प्रति समय, नवीन कर्मों का आना बंद हो गया है,
और जो थोड़ी सी रागांश अभी विद्यमान है, पूरी शुद्धता नहीं हुई ना, जो रागांश विद्यमान है बुद्धि पूर्वक, वो रागांश विशुद्ध विशेष पुण्य का बंध होता है। और शुभोपयोग के काल में उतना उत्कृष्ट पुण्य का बंध भी नहीं होता। तो ये सब भूमिकाएं हैं, अपन किस भूमिका में है उसके हिसाब से उपदेश है। बिल्कुल अशुभ की भूमिका में पड़ा हो, पाप की भूमिका में पड़ा हो, भगवान के दर्शन करने ही ना जाता हो, उससे कहेंगे भैया पहले स्वाध्याय का नहीं कहेंगे, जो मंदिर ही नहीं जाता उससे कहोगे स्वाध्याय करा करें। अरे जो भगवान के दर्शन नहीं करता उसको पहले सबसे पहले ये कहेंगे भगवान के दर्शन करो, पहला स्टेप तो वही है। आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप, पहली सीढ़ी तो वही है, भगवान के दर्शन करो, पूजा करो, विधान करो, इसमें उपयोग लगाओ। और फिर भगवान के दर्शन करना चालू कर दिया क्या भैया, उसके लिए है जे बात कि अकेले दर्शन पूजन करने से कुछ नहीं होगा, भगवान की वाणी भी सुनो। लेकिन जगत की बुद्धि में एक उल्टापन पड़ा है, टेढ़ पड़ी है अनादि का। क्या टेढ़ पड़ी है कि जब इसको उस पूजा भक्ति तू करता है भगवान की, यहां तक तो आ गया पहले स्टेप पर, अब इसको दूसरे स्टेप पर ले जाना है, तो अब इससे कहा कि पूजा ही में लगे रहोगे का, पूजा ही में लगे रहोगे, सो भगवान की वाणी का स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाओ, स्वाध्याय से अज्ञान का नाश होगा, मिथ्यात्व का नाश होगा। और ये भगवान की वाणी है, पूजा भक्तों की वाणी है, पूजा भक्त करते हैं, पूजा में भक्त अपनी बात सुनाता है भगवान को, और स्वाध्याय में भगवान की बात सुनता है। तो वैसे ही विचार करो, बड़ा काम कौन सा है, तुम्हारी वाणी भगवान को सुनाना वो ज्यादा बड़ा काम है कि भगवान की वाणी सुनना बड़ा काम है, अपना हित अपनी बात भगवान को सुनाने में ज्यादा है कि भगवान की बात सुनने में ज्यादा है, काय में हित होगा। लेकिन इसीलिए मैंने कहा सामान्य जगत की बुद्धि में एक टेढ़ होती है, उसके कारण से उसको ये बात समझ में नहीं आती, उसे हमेशा ये लगता है कि पूजा करना बड़ा धर्म और स्वाध्याय करना छोटा धर्म, क्योंकि स्वाध्याय कभी किया ही नहीं है। तो हम स्वाध्याय की बात कर रहे हैं तो तेरे पूजा का निषेध कर रहे करके कर रहे हैं कि रख के कर रहे हैं, समझ में ही ना बाप। पूजा की स्थापना तो पहले, पूजा करता है, दर्शन करता है, भक्ति करता है, तब तो हम कह रहे हैं स्वाध्याय किया करें। दूसरे नंबर पे वो वहां तक आया इसलिए यहां आने की कह रहे, छुड़ा नहीं रहे, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा रहे, तो पहली सीढ़ी छूटी कहें, वो तो हो गई, अब उससे आगे बढ़ना है कि यहीं तक रखना है। भाई हम तो भाई इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है तो घर जाओ, और कुछ आगे बढ़ना हो तो स्वाध्याय करो, भगवान की वाणी सुनो। ख्याल में ही ना बात, ठीक है तू सब छोड़ छाड़ के पूजा भक्ति कर ली, अब भक्ति पूजा कर ली, अब तो हो गया हमारा काम, अब जाके रोटी बनाएंगे दुकान खोलेंगे, हो गया काम, स्वाध्याय स्वाध्याय मध्याय नहीं, अपना काम नहीं है वो, तो इन लोगों का काम है, वो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो स्वाध्याय करने वाले। तो ठीक है भाई, तेरे काली दुकान धंधा करने के लिए पूजन करना है तो ये बात अलग है, तेरा उद्देश्य अलग है, लेकिन आगे बढ़ना है। तू जगत के विषय कसाय समरम समारंभ आदि छोड़ के पाप के काम को यदि भगवान के दर्शन करने आया है, अब वास्तव में तू अपना हित करना चाहता है तो
देखो जिनवाणी उनके लिए है, जो चाहो अपनो कल्याण ता ही सुनो, उनके लिए है जिनवाणी। देखो भगवान का दर्शन तो लोग लौकिक कल्याण की भावना से भी करते हैं, आत्महित की भावना से तो एक कोई बिरला जीव करता होगा, इस निमित्त से तो कोई बिरला जीव करता होगा कि हे प्रभु आपको देख देख कर मुझे मेरे स्वरूप की याद आती है, और आप तो संसार सागर से तिर गए और आप हमें संसार से तिरने का उपाय बता गए, इसलिए बार बार आपके दर्शन करने का भाव होता है, एक क्षण भी आपकी वीतरागी मुद्रा से हमारा उपयोग उसको देखने से हटता नहीं है। तो भगवान के दर्शन अपने आत्महित की भावना से करें, ये एक अलग परिणाम होता है। और दर्शन करके जाते हैं भैया सो हमारी तो दुकान धंधा व्यापार अच्छा चलता है, और जिस दिन दर्शन नहीं करो उस दिन बोनी नहीं होती दुकान पे, पूरा दिन बेकार। तो इसे तो अपना लौकिक हित साधना है, इसलिए भगवान का दर्शन करता है, लेकिन यहां लौकिक हित वालों की बात नहीं है, यहां तो जिसे अपना आत्महित साधना है उसकी बात है। उसके लिए कहते हैं कि तू पूजा करता है सो तो अच्छी बात है, लेकिन भाई भगवान की वाणी सुन, भगवान की वाणी के सुने बिना अपना परमार्थ हित परमार्थ सुख साधन होने वाला नहीं। परमार्थ हित तो इससे होने वाला है, वो तो लौकिक हित है, उससे कोई विशेष फायदा नहीं। अरे ठीक है थोड़ा पुण्य बन जाएगा, थोड़ी दुकान धंधा व्यापार अच्छा चलेगा, विषय कसाई की साधन सामग्री जुड़ जाएगी, उसमें फंस जाना और मर जाना, मर जाके फिर ढोर की पर्याय में चले जाना, जाओ यही करना है तो करो, कोई रोक तो है नहीं। लेकिन यहां तो भाई कुछ और करना चाहते हो, अपना हित करना चाहते हो, संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, जो चाहो अपनो कल्याण करना चाहते हो, तो पूजन भक्ति करते हो अच्छी बात है, लेकिन भाई स्वाध्याय में भी अपने उपयोग को लगाओ। स्वाध्याय के बिना ये अनादि काल से विद्यमान ये अज्ञान का अंधकार विलय को प्राप्त होने वाला नहीं। स्वाध्याय के बिना जो मिथ्यात्व का महापाप निरंतर चलता है वो महापाप छूटने वाला नहीं। इसलिए अपना हित करना है, भगवान के दर्शन करता है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान की बात भी सुनने में अपने उपयोग को लगा। तेरा परमार्थ कल्याण तो भगवान की वाणी सुनने से होने वाला है, ख्याल में ही ना बाप, वो चर्चा यहां चल रही है अपनी। ये है भगवान की वाणी कि देह की क्रिया करता है और उस क्रिया का कर्ता मानता है, और शुभ भाव करता है उसका भी कर्ता मानता है। तो शुभ भाव चूंकि आत्मा का परिणाम है उसका भी कर्ता, और जो भी ये शरीराश्रित जो क्रियाएं हैं उनका भी कर्ता, कि हाँ इसको भी तो हम ही कर रहे हैं, चलना फिरना बोलना उठना बैठना एकासन उपवास आदि मूल गुण आदि का पालन करना, सब इरिया समिति भाषा समिति के फिर जो लिखी तो है शास्त्रों में अरे शास्त्रों में लिखी हैं और ज्ञानियों के होती हैं, सब क्रियाएं होती हैं और बढ़िया होती हैं, लेकिन ज्ञानी उन शरीर आश्रित क्रियाओं का अपने को कर्ता नहीं मानते। क्रिया होती है, और जो भेद ज्ञानी हैं आत्मज्ञानी हैं उनकी क्रियाएं तो बढ़िया होती हैं, सच्ची होती हैं, अच्छी होती हैं,
फिर भी वे उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानते, और अज्ञानी 100% उनका कर्ता बनता है। हम ही तो कर रहे हैं। उसके क्रियाएं उतनी बढ़िया नहीं होती और बिगड़ जाती। धर्म तो होता ही नहीं है अज्ञानी को, लेकिन शुभ भाव भी उत्कृष्ट जाति का नहीं होता। लिखा है शास्त्रों में स्पष्ट, ये अकाम निर्जरा है। क्या है? अज्ञानी व्रत नियम शील संयम तपस्या आदि करे, उससे क्या होता है? अकाम निर्जरा। अकाम, अकाम माने कोई काम की नहीं। कोई काम की नहीं का मतलब संसार से मुक्त होने वाला नहीं है, संसार का बंधन नहीं रुकता उससे, भव की परंपरा नहीं रुकती उससे, संबर नहीं होता, नए कर्मों का आना नहीं रुकता, नए आते रहते बराबर। थोड़ी सी अशुभ कर्म की निर्जरा हो जाती है और उसकी जगह थोड़े से शुभ कर्म से पुण्य के परमाणु बन जाते हैं। और मिथ्यात के जैसे का तैसा सुरक्षित, अज्ञान पूरे का पूरा सुरक्षित, अनंतानुबंधी कसाय के पूरी की पूरी सुरक्षित, संसार के कारण के पूरे सुरक्षित। बस कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन है, भवनवासी में चला जाता है, जोशी में चला जाता है, या व्यंतराधिक में चला जाता है। बस भवनत्रिक में तीन लिखे ना, भवनवासी, जोशी और व्यंतर। सबसे ज्यादा मंदिर भी इन्हीं के भवनों में है। व्यंतरों के असंख्यात असंख्यात मंदिर लिखे थे ना, असंख्यात भवन होते हैं। जोशियों के कितने 84 लाख कितने में लिखे, अभी निकला था ना विधान में, अपन ने पढ़ा था। समझ में ना बात, इतने मंदिर हैं सबसे ज्यादा, और ऊपर ऊपर के स्वर्ग हैं उनमें कम है, फिर घटती जाती है संख्या। सर्वार सिद्धि में एक ही मंदिर। उसका कारण है कि जितने जीव नीचे हैं इन्हें ज्यादा जरूरत है मंदिरों की। मुनिराज जंगलों में रहते हैं, वह मंदिर नहीं होते और उन्हें जरूरत भी नहीं। समझ में ही ना बात, क्योंकि उनकी तो श्रद्धा में देवशास गुरु बैठे हैं और उस भगवान की भक्ति पूजा से भी उत्कृष्ट कार्य उनके जीवन में चल रहा है, धर्म का कार्य, शुद्धोपयोग का कार्य। तो उन्हें भगवान के मंदिर की अब जरूरत नहीं है, अवलंबन जरूरत नहीं। डंडा कौन लेते हैं? पहलवान, क्या जो कमजोर होते हैं वो। ऐसे बाह में देवसास गुरु के मंदिर आदि, जिन मंदिर जिनालयों की, नव देवताओं की, नव ग्रहों की नहीं, नव देवताओं की अवलंबन की आवश्यकता उनको होती है जो कमजोर शिथिल होते हैं, अल्प पुरुषार्थी होते हैं, हीन पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए ज्यादा मंदिर, असंख्यात मंदिर व्यंतरों के लिए कि तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम मिथ्यात तो लेकर आए हो पूर्व जन्म से और यहां पैदा हुए हो, तुम्हें जिन मंदिर देवशास गुरु की ज्यादा जरूरत है, इसलिए ज्यादा मंदिर बनवा दिए। और ऊपर ऊपर के स्वर्ग वाले जीव विशेष विशेष विशुद्ध परिणाम वाले होते हैं, और ऊपर ऊपर धर्मात्माओं की संख्या ज्यादा है। नौमे ग्रेवियक में धर्मात्माओं की संख्या ज्यादा है, मिथ्या दृष्टियों की संख्या कम है, और उसके ऊपर तो मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं। कोई दो भवतारी है, फिर कोई एक भवतारी है, बस। इसलिए उन्हें अब उतनी गरज नहीं है मंदिरों की, उनके तो अंदर में ही मंदिर है। और उन जीवों की शक्ति इतनी होती है, ज्ञान और अवधज्ञान भी इतना तीव्र होता है, जो ऊपर ऊपर के नौ अनुदेश, नौ ग्रेवेक आदि के जो देव हैं, कि वहीं बैठे बैठे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर लेती।
ये तो सशरीरी ये व्यंतरादिक होते ना, तो इनका अवधिज्ञान कम होता है, ज्यादा दूर का और ज्यादा काल का नहीं जानते, इसलिए उनको सब जगह जाना पड़ता है। समझ में ना बात। और जो ऊपर के देव हैं, जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, तीन लोक उनके अवधि ज्ञान का विषय है। बोलो, इतना उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होता है। ऊपर बैठे और नीचे साथ में रख के नीचे तक का जानते हैं, केवल ज्ञान नहीं है लेकिन अवधि ज्ञान इतना उत्कृष्ट होता है। तो वे तो एक क्षण में, अरे भाई इंद्र में इतनी सामर्थ होती है कि एक ताली बजाई ना अपन ने, एक ताली फिर दूसरी ताली, इतने इस एक ताली से दूसरी ताली के बीच में जो समय होता है ना, इसमें इतने में सारे तीन लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके लौट के आ जाए। भले इतने जल्दी करता नहीं है, शक्ति बताई है उसकी, इतनी सामर्थ्य है उसमें। इतने में एक ताली और दूसरी, इतने में तीन लोक के समस्त अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके वापस आ जाएगा। बोलो, और तुम्हारी ताली पे ताली बजा देगा। ऐसी शक्ति बताई उसकी, इतनी सामर्थ्य है। तो सशरीरी जाते हैं, नीचे के देव जाते हैं वंदना आदि करने, और ऊपर ऊपर के देवों की कषायों की मंदता बहुत होती है और परिणामों की विशुद्धता बहुत होती है, और सब विशेष धर्म की धुन वाले चिंतन मंथन वाले होते हैं। अच्छा देखो, समय पास करने के लिए ऊपर के देव क्या करते हैं बताओ? सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, और ऊपर ज्यादा गुण स्थान तो है नहीं, है सबके चौथा गुण स्थान तो, और 33 सागर की आयु, करते क्या होंगे वहां 33 सागर तक? बोर नहीं हो जाते? बोर नहीं होते भाई, आत्मा में इतने अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत गुण हैं कि एक एक गुण की चर्चा करने बैठते हैं तो कितना काल व्यतीत हो जाता है। बोलो, बस कोई चर्चा चालू हुई और चर्चा चल रही है, क्योंकि अनुभूति भी जल्दी जल्दी नहीं होती, तो जो शुद्धोपयोग की दशा तो वहां भी कम है, चतुर्थ गुण स्थान की भूमिका के योग गई होगी ना, और खाना कुछ है नहीं, पीना कुछ है नहीं, जाना कहीं है नहीं, शरीर की शक्ति इतनी, सोते है नहीं। बोलो, 24 घंटे भी नहीं होते वहां तो, ये घंटे भंडे तो अपने यहां चलते, वहां घंटे भंडे नहीं, पता ही नहीं पड़ता कितना काल बीत गया। ऐसे सिंहासन पे बैठे हैं, रत्नों के बैठे हैं, बस सोने का काम नहीं, थकान होती ही नहीं, निद्रा आती नहीं, ज्ञान इतना विलक्षण, बस तत्व चर्चा उपयोग की विशेष विशुद्धि होती है तो स्वरूप का आनंद ले लिया, फिर तत्व चर्चा में लग गए। और इतनी मंदता होती है कसाय की कि भगवान के समोसरण में जाएं और फिर दिव्य ध्वनि सुने, इतना विकल्प नहीं आता। क्यों? उसका कारण है कि द्वादशांग के पाठी है सर्वार सिद्धि के देव, जो तीर्थंकरों को बोलना है वो सब ज्ञान है लेके बैठे। बोलो, क्या कैसी कैसी पर्याय हैं देखो संसार में अभी, जो तीर्थंकर की वाणी में निकलना है वो सब ज्ञान है उनको द्वादशांग का, इसलिए दिव्य ध्वनि आदि सुनने का विकल्प नहीं होता, कहीं जाने का विकल्प नहीं होता, विशुद्धता है इतनी। पर शुक्ल लेस्या के परिणाम, कदाचित भावलिंगी मुनिराज को न हो छठ में सात में गुण स्थान में, कदाचित ना हो, पीतलेस्या के परिणाम हो, पद्मलेस्या के परिणाम हो, अशुभलेस्या नहीं होती, और सर्वार सिद्धि के देव को सदा शुक्लेस्या। बोलो, कितनी विशुद्धता अपन कल्पना ही नहीं कर सकते कितनी विशुद्धता होती होगी परिणामों, और कहीं जाने का कोई विकल्प नहीं,
सारा जीवन तत्व चर्चा, तत्व विचार। तो ये तत्व विचार और तत्व चर्चा कितनी जरूरी है, समझ गए क्या? इसलिए इससे उत्कृष्ट कोई काम नहीं है इस मनुष्य पर्याय में करने जैसा। दो ही काम है, या तो ध्यान में उपयोग लगाओ, और ध्यान में नहीं लगे तो ज्ञान में उपयोग लगाओ। तीसरी जगह उपयोग लगाओगे तो उससे केवल पाप का दरवाजा खुलने वाला है, बस। अन्यत्र उपयोग लगाने का निषेध है, बस। ज्ञानियों का बस एक ही काम, मुनिराज भी यही करते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, ध्यान में लीन रहते हैं, और ध्यान में नहीं रह पाए तो ज्ञान में लीन रहते हैं। बेबी तत्व चर्चा करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं, उपदेश सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, शास्त्र की रचना करते हैं, बस ये स्वाध्याय का अंग है ना, ज्ञान का व्यापार, या इसमें उपयोग लगाते हैं। अपने उपयोग को अन्यत्र भ्रमाते नहीं है, बोलो। तो ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है, समझ लेना, दिमाग में लिख लेना इस बात को, स्वाध्याय का काम। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, भगवान की पूजा कितने घंटे करते हो या कर सकते हो, बोलो। अच्छा दूसरी बात, रात के 12 बजे भगवान की पूजा कर सकते हो, लेकिन रात के 12 बजे स्वाध्याय कर सकते हो, स्वाध्याय 10 घंटे कर सकते हो, बोलो। पूजा नहीं कर सकते 10 घंटे, स्वाध्याय कर सकते हो, बोलो। दिन में करो, रात में करो, जब करो तब करो, कोई निषेध नहीं है उसका। घर पे करो तो कर सकते हो कि नहीं? अच्छा बस में बैठे जा रहे और कोई पुस्तक निकाल के अपन पढ़ने लगे तो निषेध है उसका? अरे मोबाइल का ठेटा लगा लिया अपन ने कान में और प्रवचन सुनने लगे तो कोई रोकेगा तुम्हें? तो भी स्वाध्याय चालू है कि नहीं है, बोलो। अरे इससे उत्कृष्ट ऊंचा धर्म का कोई अंग है ही नहीं। स्वाध्याय को तप नहीं कहा, स्वाध्याय परमम तप, परम तप कहा, समझ में ना? इससे ऊंचा, क्योंकि इससे ऊंची परिणामों की विशुद्धता नहीं होती, और स्वाध्याय वाला ही शुद्धता में प्रवेश करता है, क्रियाकांड वाला शुद्धता में नहीं जाएगा, गारंटी है। चाहे जितनी क्रियाकांड कर करके मर जाओ, केवल क्रिया करता रहे और फिर सोचे हम शुद्ध उपयोग में चले जाए, होने वाला ही नहीं है। क्या? ज्ञान कांड वाला ही जाएगा, स्वाध्याय चिंतन मंथन वाला ही शुद्ध उपयोग में प्रवेश करता है। यही वो भूमिका है जहां से शुद्ध उपयोग में जाया जाता है। जीव को नहीं आती समझ, पर भेदती नहीं है दिमाग में बात। वो क्रिया क्या है थोड़ा कष्ट रूप होती है ना, उसकी महिमा आती है। अरे ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो मरे ही जा रहा है बिल्कुल, तो मरे जाने से धर्म होता है। और ये तो अपने बैठे बस घंटे भर खा पी के बैठ गए, और बैठ भी गए तो खा पी के, भूखे बैठे होते तो भी हम समझते। तो भूखे रहना धर्म है क्या? ये भूल जाता है, खबर ही नहीं धर्म के स्वरूप की, खबर नहीं सही बात है, मूल में ही बिल्कुल मूल में ही भूल पड़ी है क्या? अरे ज्ञान की आराधना, तत्व की आराधना, आत्मा की आराधना, ये धर्म के अंग है। खाना पीना के नहीं खाना और नहीं पीना, ये धर्म का अंग है ही नहीं। और देहाश्रित क्रिया ये तो तेरे स्वरूप की सीमा से बाहर है, बल्कि इनका कर्ता बन के करेगा तो निरंतर 24 घंटे केवल घोर मिथ्यात के पाप का बंद होने वाला है। थोड़ा पुण्य बन जाएगा सो उससे भूत व्यंतर आदि में चले जाना, लेकिन परद्रव्य के क्रिया के कर्तृत्व का अहंकार, ये द्वी क्रियावादी मिथ्या दृष्टि, बोलो ये जो मिथ्यात का पाप चल रहा है इसे कौन समझाए? ये कैसे समझ में आएगा? और इस पाप के छूटे बिना धर्म का अंग का प्रारंभ ही नहीं होता,
सम्यक दर्शन ही नहीं होने वाला है। ये सारी चर्चा सम्यक दर्शन के लिए है, बोलो। क्योंकि ये मोटी मोटी भूलें जब तक अंदर में पड़ी रहेंगी, परद्रव्य में जब तक कर्तृत्व का भाव, स्वामित्व का भाव, अहंकार का भाव बना रहेगा, तब तक जीव को आत्मानुभूति होने वाली, समझ लेना। इस सारी मेहनत कुंद आचार्य देव सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति कराने के लिए कह रहे हैं। भाई देखो, सम्यक दृष्टि तो परद्रव्य की क्रिया का कर्तव्य मानते नहीं अपने को, और ये कह रहे हैं, हे जगत के जीवो, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता मत मानो, ज्ञाता रहो। तो ये उपदेश सम्यक दृष्टियों को दे रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि को दे रहे हैं? ऐसी मान्यता ज्ञानियों की है कि अज्ञानियों की? तो ये उपदेश ज्ञानियों के लिए कहां हुआ? ये तो अप्रतिबोध अज्ञानी उन्हें समझा रहे हैं जो परद्रव्य की क्रिया का अपने को कर्ता मानते हैं। अब ये चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में ना बात? सब अज्ञानी जीवों के लिए उपदेश है कि इस अज्ञान को दूर करो, इस मिथ्या अभिप्राय को दूर करो, है, और दो क्रियाओं का कर्ता मानना छोड़ो। मैं केवल अपने जानने देखने की क्रिया का कर्ता हूं, इसके अलावा जगत के एक परमाणु मात्र का भी मैं कर्ता। पहले ऐसा निर्णय करो और फिर अपने अकर्ता स्वभाव का अनुभव करो, तो सच्चा कर्ता स्वभाव का श्रद्धान तब होगा। अकर्ता स्वभाव की अनुभूति के बिना कर्ता कर्म स्वभाव की श्रद्धा सम्यक पने को प्राप्त नहीं होती। इसलिए स्वानुभूति की सील लगाना जरूरी है। ये शरीर की कोई भी क्रिया करो, उस पर जब तक स्वानुभूति की सील नहीं लगेगी, तो क्रिया भी तुम्हारी धर्म कहलाने के लायक नहीं। सारे धर्म के अंग जितने भी हैं, वे सब व्यवहार से तब धर्म कहलाने लायक होते हैं जब उन सारे धर्मों के अंगों पर स्वानुभूति की सील लगी हो। ख्याल में ही ना बात है? अभी तो जगत में ऐसे ऐसे जीव भी हैं कि जो कहते हैं अनुभूति का अर्थ अलग होता है और स्वानुभूति अलग होती है। ऐसे ऐसे मुमुक्षुओं में ऐसे ऐसे धुरंधर पैदा हो गए हैं कि अपन सुनने लायक नहीं है ऐसी बात। मास्टर साहब आपने सुनी कभी? अनुभूति श्रद्धा गुण की पर्याय और स्वानुभूति चारित्र गुण की पर्याय, सुना कभी आपने? जबकि दोनों ही बातें मिथ्या हैं। ना अनुभूति श्रद्धा गुण की पर्याय है, ना स्वानुभूति चारित्र गुण की पर्याय है। पहली बात तो अनुभूति और स्वानुभूति और स्वानुभव और स्वसंवेदन, ये सब पर्यायवाची है, एक ही चीज है, ये दो चीजें नहीं है। दूसरी बात, ये ज्ञान गुण की पर्याय है अनुभूति। समझ में ना बात? न श्रद्धा की है न चारित्र की। मुमुक्षुओं में ऐसे ऐसे पैदा हो गए और बाहर प्रवचन करने जाते हैं, दुनिया को क्या सुनाते होंगे, भगवान जाने क्या करते होंगे जिन वाणी का, जिनकी ऐसी श्रद्धा, ऐसा निर्णय और ऐसी मान्यता है। बहुत बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है। अरे धीरे धीरे पटका करे भैया, फटाफट फटाफट कर दिया पूरा। ऐसे जोर जोर से पटक रहे, या तो स्तुति ढंग से कर लो दो मिनट में। इतनी जोर जोर से पटकते हैं बिल्कुल एक कबाड़ खाने जैसा। आराम से शांति से रख दो, आवाज ना आए। रखना है तो शांति से रखे, दो मिनट बाद स्तुति करके रख देंगे।